मानव समाचार मानवता के हक में। सबसे पहले लोग मुस्तकीम के साथ जमाना करने को लगते थे, मुस्तकीम की जमानत होने वाली है, उसके साथ हम लोग करते हैं।
लेकिन सबसे पहले मुस्तकीम कर छूटे उसकी वजह की आप लोगों की मोहब्बत। मैं मेरे ऊपर उस वक्त के अजीत साहब हयात थे, उन्होंने पुलिस से कंप्लेन की, मैं मुझ पर फसाद करने का इल्जाम लगाया, लेकिन फिर भी मैं अकेली अपने वर्करों की ताकत से शहर में कानूनी तौर पर लड़ती रही, इसलिए कि मालेगांव शहर अपने आप को यकीन न समझे। जो लोग अहमद रसूल हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ गए थे वो अपने आप को कमजोर न समझे। ऐसा ना हो कि आइंदा कभी कोई गुस्ताखी करे हुजूर की शान में खामोशी से डर के खामोश बैठे, ऐसा ना हो। आप देखिए, दो रोज पहले एक फिर दिल हरा के हमारा पेश आया, एक महान ने हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और आज आप देखेंगे आज वही महत्व का प्रोग्राम हुआ जहां महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिंदे एकनाथ शिंदे के साथ बैठ के फोटो खिंचा रहा था। कौन शिंदे? वो शिंदे जो मुफ्ती साहब से बहुत मोहब्बत करता है। मुफ्ती साहब होते थे ना, मुफ्ती शिंदे बहुत मोहब्बत करते थे, जाके बोले अपने मोहब्बत करने वाले को कि ये हम पूरी हिम्मत से मोहब्बत करती है उसके ये खिलाफ बोलते हैं, तो ये भी ज्यादा सुनते, लेकिन कभी नहीं निकलेगा मुंह से। दूसरे शेख आसिफ साहब, इनके घर के लोगों को फायरिंग में फंसे 12 नवंबर में, ये कभी नहीं गए लोगों के पाँव पड़ने, दूसरे मामला से दल की यात्रा में कभी नहीं गए। अरे जब हमारे ऊपर इल्जाम आया लैंड जहाज का, जब भी ये नहीं गए, लेकिन अपने घर के लोग फंसे तो ये चले गए अजीत पवार के पास। अरे अजीत पवार किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। ये बहरहाल ये दोनों लीडर बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, जब जरूरत पड़ती है पैसे की वजह से यहाँ के लीडर एमएलसी के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को वोट देते हैं, और यही राज्यसभा में चुनी जाने वाले उम्मीदवार जब हमारे वक्त का मामला आएगा तो बीजेपी की तरफ से हमारे वक्त के खिलाफ होगी। इसलिए ऐसे लोग जो छुपी हुई बीजेपी और जो खुली हुई बीजेपी है उनकी मुखालफत करने का काम समाजवादी पार्टी यहाँ है निहारी सोच के साथ हम लोग कर रहे हैं। 10 साल मुफ्ती साहब का, 5 साल शेख आसिफ का, 10 साल उनके बाप का, हमको मौका दे देने दो। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि निहारी सोच समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनने आने के बाद इनसे ना करके अच्छा काम करेंगे, अपने शहर में जो दबदबा निहारी था उसको बरकरार रखेंगे। आप लोगों के साथ के साथ मालेगांव शहर में न कोई सियासी समाजी और न मजहबी तौर पर तुम पर नजर उठाकर कोई नहीं देख सकेगा। ये कमरा है, ये शादी न्याय है, मैं शराब ने सीएम स्कूल का इस इलाके को दिया है, शहर बहुत बड़ा हो जा रहा है न्याय शराब का। ये सोच कि सीएम स्कूल इसलिए यहाँ बनाए गई कितनी शहर का किनारा था, अब मालेगांव शहर बढ़ गया है, तो ये मकसद बहुत हो गया है कि बुलंद पाए अपने आखिरी एग्जाम में। सर्वे नंबर गट नंबर 110 सीएम स्कूल के लिए जगह मुक्त रमजान पूरे लेकर के गए हैं। इंशाल्लाह हम लोग अपने स्कूल को वहाँ भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो अधूरा न्याय साहब के जो पहुँच है उसको हम लोग आगे रखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे अंदर सियासी शहू तालीमी शहू और आप लोगों का साथ, देखो मैं सियासी तौर पर अगर स्टेज की बोलने की हिम्मत करती हूँ, मेरे सर पर कोई बात मेरे सरपरस्त नहीं है, जब मुस्तकीम जेल में गए तो हमारे घर में कोई मत नहीं बचा था, लेकिन मेरे साथ ताकत थी आप लोगों वर्कर थी, मैंने हमेशा अपनी पार्टी के वर्कर को अपने खानदान का फर्ज समझा। अगर मैं अकेली हूँ, मैंने मैं देखा है कि जब मुस्तकीम जेल में थे लोग लोग आपसे भी कह रहे तब भी निहारी वर्कर को हम करके बोलते थे कि कोई तकलीफ आई तो हम लोग वह अकेले मत समझना। अरे इतनी मोहब्बत आज साथी निहाल रहना के अलावा हमारे वो शहर में मुझे नहीं लगता किसी को भी, जो लोग मुझे देखे नहीं मुझको जानते नहीं लेकिन वो सिर्फ इसलिए इज्जत करते हैं मानते हैं कि मैं निहाल रहना की बेटी। ये मोहब्बत आज तो आप देख लो सरपरस्त के गुजरने को साल भर नहीं हुआ वो पार
बड़ी जरूरत है तालीम। अगर तुम तालीम नहीं हासिल करोगे तो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला पाओगे, तुम तुम्हारा हक हासिल करने की तुमको समझ नहीं है। इस्लाम सियासत के नाम से जो लोग हमारे गाँव शहर में आए थे, मैं देख रही हूँ उनके आने के बाद से सियासी जमाल आया है। मालेगांव शहर में गुनहगारी बढ़ गई है। मालेगांव शहर में सट्टा जुआ और नशे की चीजें कुछ लोगों से बढ़ गई है जब से इस तरह सियासत का नारा लगा। ये मान लो कि एक पार्टी जो है वो गुनहगारों को पढ़ाती है और दूसरी पार्टी इनको रोक नहीं पाती, तो ये बात तुम लोग सियासी लोग ही इनको रोक सकते हैं। जैसे शादी न्याय अगर हम मिलकर ये असेंबली के इलेक्शन में एक अच्छी ताकत